हे गाइस, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आईसर एलिजिबिलिटी प्रोग्राम 2022। आईसर के लिए एडमिशन क्या प्रोसेस होने वाला है और वो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर आईसर एडमिशन। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं आईसर के एडमिशन प्रोसेस के अंदर। सो जनरली यार, जो आईसर के अंदर आईएटी जो टेस्ट होता है उसके अंदर कौन बैठ पाते हैं यार, वही स्टूडेंट्स बैठ पाएगा जो जो है कट ऑफ क्लियर कर पाएगा, जो भी स्टेट का जो कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर मैं राजस्थान बोर्ड की बात करूँ तो कभी 74 होता है, कभी 76 होता है, जनरली 76 होता है, ठीक है। और यह कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो उस साल आपके स्टेट की जो है मार्क्स कितने आए। जैसे राजस्थान बोर्ड में 99.99999 या फिर 100% भी आए। पिछले साल कोविड की वजह से बच्चों के हज़ारों भरे फुल भर भर के मार्क्स आए थे। स्पेशली अगर अपन बात करें बिहार की, तो यार बिहार के अंदर तो टॉपर के ही 80% आते हैं, 75% आते हैं। सो जस्ट हर स्टेट के लिए अलग अलग है। सीबीएसई बोर्ड की अगर अपन बात करें तो यार सीबीएसई बोर्ड के अंदर 84-85% जो है एवरेज रखा जाता है आईएटी के लिए। जो भी स्टूडेंट्स के 84-86% होते हैं ट्वेल्थ में, वो इज एलिजिबल फॉर आईसर एडमिशन, आईएटी टेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देन उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से ईयर वाले एलिजिबल हैं। सो यार, जिन बच्चों ने 2021 में ट्वेल्थ पास की हो, या फिर यानी कि जो इस बार ड्रॉपर है, या फिर 2022 में इस बार ट्वेल्थ पास की है, वो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर आईएटी टेस्ट यानी कि आईसर एडमिशन टेस्ट। अब आपको क्या करना है यार, 6 अप्रैल से अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही 6 अप्रैल को अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। आईसर का जो शुल्क होता है, फीस होती है, वो 2000 रुपीज़ होती है जनरली EWS के लिए, OBC कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए, या फिर SC ST के लिए आप चेक कर सकते हो जो भी उनका इश्यू हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ की चॉइसेस। आप चॉइस जो है सिर्फ एक बार ही फिल कर सकते हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है चॉइस फिल करने का, आप एक बार ही चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी फुल्ली डेडिकेटेड टीम फ्रॉम आईसेस, टॉप आईआईटीज, आईएएससी बेंगलोर, KUPY स्कॉलर्स, टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया, नाइसर एंड आईएससीएस, आईएसआई, सीएमआई, सो द स्टाफ हमारा प्राइम मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हो, जिसके अंदर प्राइम मेंबरशिप प्लान के अंदर आपको जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, आपकी कौन कौन सी चॉइस बेटर है, बेटर नहीं है, आपका बाई चांस आईसर में नहीं होता है, देन आपके लिए कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आपके लिए कौन कौन से बेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, सब के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है लास्ट तक, एंड मोमेंट तक, जब तक आपका एडमिशन ख़त्म नहीं होता तब तक आपकी उंगली जो है पकड़ के चलते हैं, हमारी जो भी टीम है तब तक आपको गाइड करती है, ठीक है। तो जस्ट आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गूगल फॉर्म का। आप जो है हमारी टीम से नीचे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। देन हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि ट्वेल्थ के जो क्लास है इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप जिस 2021 या फिर 2022 में पास की होनी चाहिए। फर्दर डिटेल के लिए जो आप जो है उसकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, aisaradmission.in। फुल क्लेरिफिकेशन जब कल एप्लीकेशन फॉर्म आता है देन वहाँ भी देखने को मिलेगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है मैं आपको फिल करके ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। देन जो है थोड़े दिनों के बाद जैसे ही हमारा ट्वेल्थ का रिजल्ट आ जाएगा तो हमें वहाँ पे डालना पड़ेगा कि मेरा ट्वेल्थ का कितना मार्क्स आया। हर स्टेट के लिए जो भी कट ऑफ दिया गया है वो कट ऑफ अगर आपका है देन यू आर एलिजिबल, इफ़ नॉट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईएटी टेस्ट। यार आईसर जो इंडिया के अंदर टोटली जो है 7 आईसर्स है, आईसर पुणे, आईसर मोहाली, आईसर भोपाल, आईसर कोलकाता, आईसर त्रिची, आईसर बेरमपुर, और ठीक है तो कौन सा बच गया, आई थिंक टोटली 7 है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एडमिशन लेने के 3 प्रोसेस है आपके पास। एक है आईएटी टेस्ट, इसका क्या मतलब होता है, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम SCB बोलते हैं, यानी कि स्टेट काउंसलिंग बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड होता है उसके हिसाब से, जैसे आपके स्टेट बोर्ड के एवरेज अच्छे मार्क्स उठाए जाते हैं, जो कि अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर आईएटी टेस्ट, ठीक है। अब आगे क्या होता है, जस्ट लाइक आपको जो भी वहाँ पर फॉर्म फिल करना है देन आपका 180 मार्क्स का, जैसे आप एलिजिबल हो अगर, ठीक है, जैसे आप अपनी डिटेल डालते हो वहाँ पर एक लिस्ट जारी होगी हर स्टेट के लिए, जैसे हर स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जो भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके बाद एक लिस्ट जारी होगी, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि आईसर की वेबसाइट पे कि किस स्टेट के लिए कितने मार्क्स है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर यू आर एलिजिबल देन जस्ट आपका एडमिट कार्ड आएगा,
ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर आईसर का जो है टेस्ट सेंटर है, तो वहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। 180 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होता है, 180 मार्क्स में से आप ट्राई करना एटलीस्ट 110 से 120 मार्क्स प्लस आप स्कोर कर सको। अगर आप इतना स्कोर करते हैं देन आप एक आईसर की सीट के लिए एलिजिबल हैं। हर साल अगर मैं बात करूँ पिछले साल की जो रजिस्टर हुए थे स्टूडेंट्स, तकरीबन जो है 23 से 24 हज़ार बच्चे जो रजिस्टर हुए थे। इनरोलमेंट आपको मैं बताऊं तो 20 हज़ार तक जो है बच्चे मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे थे आयसर के अंदर। इस बार जो है इसकी संख्या आप डबल ही मान सकते हो रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि आयसर का इतने दिनों में किसी को पता नहीं है। जैसे आईआईटी का पूरे देश को पता है, वहाँ पे 10 लाख अप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, लेकिन अभी जो आयसर की जो पोजिशन है वो टॉप आईआईटी से आप आयसर को कंपेयर कर सकते हो। टॉप आईआईटी से आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलोर से आप आयसर पुणे को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट इसका जस्ट बच्चों को पता चल रहा है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। ये लोग मतलब वैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, सोशल मीडिया से या फिर जो भी प्लेसमेंट्स हो रही है बच्चों की। बहुत ही ज़्यादा पुराने नहीं है यार आयसर्स, 2007 के एक एक्ट के अंदर जो भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो भी सिविल एविएशन क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कॉरपोरेट अफेयर्स जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में स्टार्ट किए गए थे। ओके, सो जस्ट 7 आईसर्स है, आईसर पुणे इज वेरी गुड। इसकी सीक्वेंस एंड अदर आप हमारी प्राइम मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं। जस्ट आप नीचे मेरे व्हाट्सएप से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और कौन सा गुड आईसर है, बेड आईसर है, मतलब बेड आईसर कुछ नहीं होता, ठीक है, आपके लिए कौन सा अच्छा होता है या फिर किसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, इसके लिए जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आता है मैं फॉर्म भरूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ है। तब तक के लिए इस चैनल को आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। वैसे मैं जनरली बोलता नहीं लेकिन आजकल लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, ऐसे व्यूज आ रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी मेहनत करता हूँ मैं। बेसिकली आई एम IITN, ठीक है, एंड आई करेक्ट JEE एडवांस इन लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, एंड आई एम नॉट ए ड्रॉपर, आई कम्प्लीटेड 12th विथ रेस्पेक्ट टू द JEE मेन एंड JEE एडवांस, ठीक है। तो जस्ट यार खूब पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। आयसर का जस्ट फॉर्म ज़रूर फिल करिए, अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप ड्रॉफर हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर आयसर्स IAT टेस्ट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की क्वारी थी कि भैया आयसर इज बेस्ट और नाइसर इज बेस्ट, तो यार ऑलमोस्ट मतलब अच्छे ही है दोनों। आपका प्रेफरेंस है कि जस्ट आप नाइसर का एक सबसे अच्छा मौका आपके पास हो सकता है, भाभा इंस्टीट्यूट में आप डायरेक्टली जा सकते हैं इंटरव्यू बेस पे। जैसे हम IIST से इसरो में जाते हैं वैसे आप नाइसर से जो है भाभा इंस्टीट्यूट सॉरी नाइस जो भी है इसका CEBS मुंबई से आप जैसे उसमें जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नाइसर के एप्लीकेशन फॉर्म भी आई थिंक अभी क्लोज हो चुके हैं, चल रहे हैं, क्लोज हो चुके हैं, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन आप नाइसर का भी चेक कर सकते हो। एक IASI होता है, एक CMI होता है, IACS कोलकाता भी है, आप उस पर भी फोकस कर सकते हो। देश की अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है, JEE मेन आप जरूर ट्राई करिए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स है जो कि हमारी टीम आपको ज़रूर बताएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच, लाइक का बटन भी दबा सकते हो अच्छा लगे तो, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।